बॉलीवुड के गोल्डन स्टार। ये वो स्टार है जिसे नवाजा गया पद्मश्री अवार्ड से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेटरन एक्टर टॉम आल्टर की। टॉम अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनसे कई ऐसी जुड़ी बातें हैं जो ये साबित कर देती हैं कि वो एक गोल्डन स्टार है। दरअसल टॉम आल्टर को 1974 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने ग्रेजुएशन के दौरान उनके शानदार अभिनय के लिए गोल्ड मेडल दिया था। टॉम ने धर्मेंद्र की फिल्म चरस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में यूरोपियन चीफ कस्टम ऑफिसर का रोल निभाया था। ये फिल्म हिट साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद तो जैसे फिल्मों की लाइन लग गई। 67 साल के टॉम ने टीवी शो के अलावा करीब 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, देश परदेश, क्रांति, गांधी, राम तेरी गंगा मैली, कर्मा, सलीम लगड़े पे मथरो, परिंदा, आशिकी, जुनून, वीर जारा, मंगल पांडे जैसी फिल्में की। इतना ही नहीं, टॉम को 2008 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। टॉम की आखिरी फिल्म साल 2017 में आई सरगोशियां थी। भले वो हमें अलविदा कह गए हो, लेकिन बॉलीवुड को दिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।